डॉक्टर अरुण जैन नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। पिछले 3-4 दिनों में ये देखा गया है कि मौसम में जो तब्दीली आई है, कभी ठंडा कभी गर्म, उसकी वजह से बच्चों में अचानक प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो मेन समस्याएँ जो आ रही हैं वो आ रही हैं तेज बुखार, खांसी जुकाम और साथ में उल्टी और दस्त। इसकी मेन वजह जो देखी गई है वो देखी गई है बच्चों में जो खाना पीना है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके वजह से ये समस्या आ रही है। तो ज़रूरी है माँ बाप को कि बच्चे कोई भी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा पानी ना पिए। साथ में जो बाज़ार के जंक फूड्स हैं जैसे पेप्सी, कोलास और जंक फूड जो भी बाज़ार में आते हैं, इनका सेवन ना करें। कोशिश ये करें माँ बाप कि बच्चे घर में उबला ठंडा पानी उसको ज़्यादा सेवन करें, बाज़ार में ना जाएं, धूप से बचें, घर पर ही रहें और घर में जो शुद्ध खाना बनता है जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी, दही, केला, आलू, ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। अगर ये घर की चीज़ें बच्चे खाएंगे तो काफ़ी हद तक इन्हें बीमारी से बचाया जा सकता है। अगर समस्या गंभीर है तो उसको ORS का घोल बाज़ार में मिलता है वो पिला सकते हैं, उससे बच्चे में जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। अत्यधिक फीवर होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लें, कृपया घर पर ट्रीटमेंट देने से बचें।